हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल गो थ्रू फाइन आर्ट पे स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोग के लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आई हूँ एनटीए यूजीसी नेट के लिए। केवीएस, एनबीएस, डीएसएसबी, टीजीटी, पीजीटी, यूपी टीजीटी, एलटी ग्रेड, किसी भी टाइप की आप फाइन आर्ट या विजुअल आर्ट की एग्जाम दे रहे हैं तो उसके लिए बहुत ही बेनिफिट करने वाला है। साथ ही साथ बीपीएससी यानी कि बिहार से भी कला की एग्जाम की परीक्षा निकलती है, यूपी से निकलती है, आरपीएससी यानी कि राजस्थान से, एचटेट यानी कि हरियाणा से भी निकलते हैं। तो जहाँ जहाँ से भी ये एग्जाम निकलते हैं फाइन आर्ट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा और गो थ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। और जो बेल आइकन को प्रेस करना है उसको ऑल पे करना है, ALL ऑल पे करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगी। और फ्रेंड्स, एक नोटिस दे देती हूँ कि कल से यानी कि कल आपका मंडे है और तारीख हो जाएगा आपका आई थिंक 12th अक्टूबर, राइट? तो 12th अक्टूबर से मैं लाइव क्लासेस लेने लगी हूँ। लाइव क्लासेस होंगी कितने बजे, आप लोगों को तो टाइम पता ही है, 9:30 PM पे। तो जो भी आज वीडियो को पहली बार देख रहे हैं वो कल रात हमसे 9:30 बजे जुड़ सकते हैं लाइव क्लास के लिए, और जो पहले से जुड़े हुए हैं जिनको पता है वो तो जुड़ ही जाएंगे। ओके, तो विदाउट देरी किए हुए आज का क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आज का क्वेश्चन है कि विख्यात चित्रकार राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी। तो राजा रवि वर्मा ने ऑयल पेंटिंग जो सीखी है वो किनसे सीखी है? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा थियोडोर जेनसन से, यानी कि थियोडोर जेनसन जो थे उन्हीं ने राजा रवि वर्मा को तैल चित्रकला सिखाई। ये क्वेश्चन हमेशा ही यूजीसी एनटीए नेट में पूछा जाता है। वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन एंड नेक्स्ट क्वेश्चन आर वेरी इंपॉर्टेंट। पहले डिस्क्रिप्टिव थोड़ा कर लेंगे कि थियोडोर जॉनसन से छात्र राजा रवि वर्मा ने तैल चित्रकला सीखी। राजा रवि वर्मा केरल के राजा थे जो प्रसिद्ध चित्रकार भी थे और नंदलाल बसु प्रसिद्ध चित्रकार थे। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर आप लोग का हो जाएगा बी, यानी कि सामवेद। सामवेद में जो कि है ऋग्वेद, सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। अब हम यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद और ऋग्वेद के बारे में बात करेंगे, सब है क्या। तो सामवेद का संकलन ऋग्वेद पर आधारित है, सामवेद का अधिकांश भाग ऋग्वेद से लिया गया है, सामवाद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, यजुर्वेद को गद्य वाला वेद कहा गया है, अथर्ववेद सबसे बाद वाला वेद है और सबसे प्राचीन वेद है ऋग्वेद। यानी कि सबसे पहले कौन सी वेद शुरू हुई थी? तो सबसे पहले ऋग्वेद हुई था, ऋग्वेद के बाद सामवेद, सामवेद के बाद यजुर्वेद एंड देन सबसे लास्ट में आपका अथर्ववेद हुआ। तो चार वेद कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद, याद रखना है चारों वेद। अब हम कृष्णा रेड्डी के बारे में बात करेंगे। कृष्णा रेड्डी जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिंट मेकर हैं और स्कल्प्टर भी हैं, बट स्कल्प्टर के रूप में इनको कम जाना जाता है और प्रिंट मेकर के रूप में ज़्यादा जाना जाता है। जब भी क्वेश्चंस होती है प्रिंट मेकर से होती है, ना कि स्कल्प्टर से होती है। बट आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि ये प्रिंट मेकर स्कल्प्टर दोनों ही थे। तो सबसे पहले इनका हम जन्म जानेंगे। तो इनका बॉर्न हुआ है, जन्म हुआ है 15 जुलाई 1925 में, याद रखिएगा ये डेट, याद रखना है 1925 में, कहाँ? चित्तौड़ के आंध्र प्रदेश में, चित्तौड़ के आंध्र प्रदेश में। और इनकी मृत्यु हुई थी 22 अगस्त 2018 को, रिसेंट ही मृत्यु हुई है। कहाँ हुई है? न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में, न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स में। जब हम न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर हम आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात बता दें कि बाद में जब ये न्यूयॉर्क शिफ्ट हुए थे, इनको कोई स्कॉलरशिप मिली थी और साथ ही साथ न्यूयॉर्क से और लंदन से स्लेड स्कूल ऑफ आर्ट से इन्होंने अपनी शिक्षा भी प्राप्त की है। इन सब के बारे में हम आगे में बात करेंगे। तो जब वो शिफ्ट हुए फॉरेन कंट्री में तो वो वहीं पे बस गए, मतलब वो वहीं रहने लगे, इसलिए उनकी मृत्यु जो की है न्यूयॉर्क में ही हुई, न्यूयॉर्क के ही निवासी हो गए थे। जन्म हुआ है इनका आंध्र प्रदेश चित्तौड़ में, बट बाद में ये मूव कर गए फॉरेन कंट्री जिसका नाम है न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स, रिमेंबर रखिएगा। नेक्स्ट है, ही वॉज कंसिडर्ड ए मास्टर इंटेग्लियो प्रिंटर एंड नोन फॉर विस्कोसिटी प्रिंटिंग। सबसे इंपॉर्टेंट विस्कोसिटी प्रिंटिंग, इससे क्वेश्चंस हमेशा एक क्वेश्चंस यूजीसी नेट हो, केवीएस हो, एनबीएस हो, डीएसएसबी हो, किसी भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। और आज मैं कृष्णा रेड्डी के काम भी लेके आई हूँ, काम विथ इमेज, वर्क विथ इमेज, इमेज भी देखेंगे ताकि चीज़ें याद रह जाएँ, एकदम माइंड में उनका छाप रह जाए। तो ही वॉज कंसिडर्ड ए मास्टर इंटेग्लियो प्रिंटर, इंटेग्लियो प्रिंटर के वो मास्टर्स रह चुके हैं, उनको कंसिडर किया जाता है और जाने जाते हैं विस्कोसिटी के लिए। किसके लिए जाने जाते हैं?
तो विस्कोसिटी प्रिंटिंग के लिए जाने जाते हैं। कृष्णा रेड्डी ने सबसे पहली शिक्षा जो कि BFA की शिक्षा लिए थे वो कहाँ से लिए थे, वो विश्व भारती कला भवन शांति निकेतन से लिए थे 1941 से 1946 में। आप लोग सभी जानते हैं कि कला भवन विश्व भारती कहाँ है, शांति निकेतन में है, और शांति निकेतन कहाँ है तो वेस्ट बंगाल में आता है। नेक्स्ट है, इन 1949 ही मूव टू लंदन एंड कंटिन्यूड हिज स्कल्पचर्स स्टडीज विथ हेनरी मूर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स। दैट मीन्स कि 1949 में ये लंदन मूव कर गए और स्कल्पचर्स की शिक्षा जो है स्कल्पचर्स के लिए पढ़ाई करने लगे, किसके साथ, हेनरी मूर के साथ। हेनरी मूर जो रहे हैं इनके टीचर रहे हैं जब ये स्कल्पचर्स सीख रहे थे, कहाँ, लंदन में, कौन से यूनिवर्सिटी में, तो स्लेड स्कूल ऑफ फाइन आर्ट्स में। याद रखिएगा हेनरी मूर। ओके, सो एसोसिएट डायरेक्टर एट हेटर्स एटेलायर 17, यानी कि कृष्णा रेड्डी जो की हैं वो एसोसिएट डायरेक्टर भी रहे किसके, अल्टायर 17 के, एटेलायर 17 के। अब एटेलायर 17 क्या है ये मैं आप लोग को बता दूं, जैसे कि आप लोगों ने ग्रुप 8 सुना होगा, पैक ग्रुप सुने होंगे, शिल्प चक्र सुने होंगे, कलकत्ता ग्रुप सुनेंगे, उसी तरह से अटलायर 17 भी जो कि है एक ग्रुप है, और इस ग्रुप के जो आर्टिस्ट रहे हैं ये कृष्णा रेड्डी हैं, स्टेनली विलियम हेटर हैं, कोताही हैं, और सेंजलर एक और आर्टिस्ट है जो मैं आपको आगे बताती हूँ। तो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपको ये याद रखना है कि कृष्णा रेड्डी एसोसिएट डायरेक्टर थे कि कहाँ के, हेटर्स एटेलायर 17 के। यहाँ पे हेटर्स की बात इसलिए कर रही हूँ कि विलियम हेटर जो कि हैं स्टेनली विलियम हेटर, स्टेनली विलियम हेटर भी प्रिंट मेकर और स्कल्पचर और पेंटर रहे हैं न्यूयॉर्क के, और हेटर ने ही इस ग्रुप को लॉन्च किए थे एटेलायर 17 को, इन्हीं का ये कॉन्सेप्ट था, और हेटर ने ही जो एटेलायर 17 जो म्यूजियम है, जो गैलरी है, वो हेटर्स के द्वारा, एटेलायर 17 जो है आपका गैलरी नहीं है बल्कि वहाँ पे वर्कशॉप वगैरह होता है, और हेटर ने ही उसे ये किया है, उन्होंने ही बनवाया है, इसलिए हेटर्स के नाम से जाना जाता है। रेड्डी रिसीव्ड पद्मश्री अवार्ड इन 1972, दैट मीन्स कि कृष्णा रेड्डी को जो है पद्मश्री अवार्ड मिल चुका है जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 4th हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, और ये कब मिला है तो 1972 में मिला है। तो आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है कि पद्मश्री से नवाजा गया है, कब नवाजा गया है तो 1972 में नवाजा गया है। अब इनके कुछ इंपॉर्टेंट काम देख लेंगे, तो काम का नाम है, देखिए कृष्णा रेड्डी के काम का नाम है ग्रुप ऑफ ट्रीज, ए मैन फ्रॉम बंगाली, वर्लपूल, वेरी इंपॉर्टेंट वर्क, वर्लपूल इनके बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है, और बटरफ्लाई फॉर्मेशन, ये सारे ही काम जो है इनके विस्कोसिटी में है, जैसे कि हम लिथोग्राफी कहते हैं, सेरीग्राफी बोलते हैं, एचिंग बोलते हैं, उसी तरह से विस्कोसिटी भी ग्राफिक्स का एक टर्म है, मीडियम है, टेक्निक है, सॉरी टर्म नहीं बोलेंगे, ना ही मीडियम, टेक्निक है। सो ही हैज़ डेवलप्ड हिज ओन प्रिंटिंग टेक्निक दी विस्कोसिटी प्रिंटिंग। सो कृष्णा रेड्डी जो कि हैं वो अपना खुद एक प्रिंट मेकिंग टेक्निक को डेवलप किए जिसका नाम है विस्कोसिटी प्रिंटिंग, बट रिमेंबर डेवलप किए हैं, राइट, डेवलप किए हैं, ना कि इन्वेंट किए हैं, इन्वेंट किए हैं स्टेनली विलियम हेटर, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो रिमेंबर कि कृष्णा रेड्डी, की वर्ड याद रखिएगा, कृष्णा रेड्डी इज नोन फॉर विस्कोसिटी प्रिंटिंग, कृष्णा रेड्डी ने ही विस्कोसिटी प्रिंटिंग को डेवलप किए, और उनके बहुत ही इंपॉर्टेंट काम है वर्लपूल, ये स्लेट स्कूल ऑफ आर्ट लंदन से पढ़े हैं, और वहाँ पे उन्होंने हेनरी मूर के साथ अपने स्कल्पचर्स की शिक्षा प्राप्त किए हैं, और उसके बाद अटलायर 17 के ग्रुप मेंबर रहे हैं, अटलायर 17 जो है उसमें उन्होंने वर्कशॉप भी किए हैं, और साथ ही साथ इसका जन्म जो हुआ है 1925 में चित्तौड़ के आंध्र प्रदेश में हुआ है, तो इतना चीज़ याद रखना है। ओके, वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस। सो नेक्स्ट पॉइंट इज हिज वर्क्स आर ऑफन रेप्लीट विथ कलर्ड ग्रिड्स इंट्रिंसिक टेक्सचर्स सिंबलाइजिंग द मिस्टेरियस नेचर, दैट मीन्स कि इनके काम जो थे, इनके काम में बहुत सारे कलर्स के वेरिएशंस दिखते हैं, इंट्रिंसिक टेक्सचर सिंबलाइजिंग, यानी कि जैसे कि अगर हम एक मकड़ा का एग्जांपल लें, एक स्पाइडर का एग्जांपल लें, तो स्पाइडर में कितने सारे टेक्सचर्स होते हैं इस तरह से धीरे 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 और कार्व करते हैं, और इसके अंदर भी एक टेक्सचर हमें देखने को मिलता है। सेम वे में अगर आप इनकी पेंटिंग देखेंगे जो हम आपको आगे दिखाने वाले हैं, नॉट पेंटिंग सॉरी प्रिंट मेकिंग, तो उन्होंने
बहुत ही ज़्यादा डिटेलिंग काम किए हैं और टेक्सचर्स को दिखाए हैं, सिंबलाइज किए हैं और नेचर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड रहे हैं। इसलिए कहा जाता है द मिस्टीरियस नेचर ऑफ यूनिवर्स। तो याद रखिएगा, इनके काम में बहुत सारे कलर्स के वेरिएशंस दिखाए जाते हैं, इनके काम की जो टेक्नोलॉजी है वो बहुत ही टेक्सचर सिंबलाइजिंग है एंड द मिस्टीरियस नेचर ऑफ यूनिवर्स। नेक्स्ट पॉइंट इज विस्कोसिटी प्रिंटिंग इज ए मल्टी कलर प्रिंटिंग टेक्निक दैट इनकॉर्पोरेट्स प्रिंसिपल्स ऑफ रिलीफ प्रिंटिंग एंड इंटेग्लियो प्रिंटिंग। यानी कि विस्कोसिटी कैसे होता है, तो विस्कोसिटी में हम मल्टी कलर यूज करते हैं, मे बी 5, 6, 7 सो ऑन। और इसके जो सिद्धांत हैं वो हैं रिलीफ प्रिंटिंग एंड इंटेग्लियो प्रिंटिंग। इसमें दो चीज़ों का मिश्रण होता है, रिलीफ प्रिंटिंग एंड इंटेग्लियो प्रिंटिंग। और सबसे खास बात विस्कोसिटी की ये है कि विस्कोसिटी बनाने के लिए आप एक ही प्लेट में ढेर सारे कलर का यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम मान लीजिए यहाँ पे एक हम फ्लावर बनाए हैं ये, तो इसी प्लेट में हम 5-6 कलर ले सकते हैं, ना कि मुझे इसके लिए वेरियस प्लेट की आवश्यकता होगी। नेक्स्ट है, इट वॉज पायोनियर्ड बाय स्टेनली विलियम हेटर। तो विस्कोसिटी के जो पायोनियर रहे हैं वो आपके स्टेनली विलियम हेटर रहे हैं। तो याद रखिएगा, स्टेनली विलियम हेटर इज द पायोनियर ऑफ विस्कोसिटी प्रिंटिंग। नेक्स्ट है, कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग वॉज डेवलप्ड बाई ए ग्रुप वर्किंग एट अटलायर 17 इन पेरिस इन द मिड 1950s। यानी कि मिड 1950s में पेरिस में एक ग्रुप डेवलप हुआ था जिसका नाम है अटलायर 17, और ये कलर विस्कोसिटी के लिए ही डेवलप हुआ था। ओके, कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग वॉज डेवलप्ड बाई ए ग्रुप वर्किंग एट अटलायर 17 इन पेरिस इन द मिड 1950s। तो कोई क्वेश्चंस नहीं यहाँ पे, समझ में आ गया होगा। कलर विस्कोसिटी प्रिंटिंग जो कि है डेवलप किया गया था एक ग्रुप के द्वारा, और वो ग्रुप है अटलायर 17, और अटलायर 17 ग्रुप है कहाँ, तो पेरिस में है। याद रखिएगा, अटलायर 17 कहाँ है ये ग्रुप, तो पेरिस में है, और बाद में ये लंदन की तरफ मूव हो गया था। नेक्स्ट है, दिस ग्रुप इंक्लूडेड स्टेनली विलियम हेटर, कैको मोती, कृष्णा रेड्डी एंड सिरले वेल्स। बट इम्पॉर्टेंट है आपका स्टेनली विलियम हेटर एंड कृष्णा रेड्डी, तो ये दो नाम याद रखिएगा। अटलायर 17 के जो ग्रुप मेंबर हैं उनमें से आपको ये दो को जरूर याद रखना, स्टेनली विलियम हेटर को और कृष्णा रेड्डी को। नोट में हम कुछ यहाँ पे वेस्टर्न आर्टिस्ट के बारे में बात किए हैं कि ग्रेटेस्ट मास्टर्स ऑफ इंग्रेविंग एंड एचिंग। तो इंग्रेविंग और एचिंग के जो विख्यात मास्टर्स हैं वो हैं अल्बर्ट ड्यूरर, हैंस हॉलविन द यंगर एंड रेम्ब्रा, गोया एंड पिकासो। ये 5 आर्टिस्ट जो हैं वेस्टर्न आर्ट के, ये ग्रेटेस्ट मास्टर्स ऑफ इंग्रेविंग एंड एचिंग के लिए जाने जाते हैं। सो वी आर मूविंग टू द इमेज ऑफ द वर्क ऑफ कृष्णा रेड्डी। ओके, सो दिस इज द फर्स्ट प्रिंट ऑफ द कृष्णा, फर्स्ट इमेज, नॉट फर्स्ट प्रिंट, फर्स्ट इमेज दिखा रही हूँ आप लोग को कृष्णा रेड्डी के, जिसका नाम है बटरफ्लाई फॉर्मेशंस, बटरफ्लाई फॉर्मेशंस। तो देखिए कितने सारे कलर का यूज किया गया। अगर हम कलर इसमें गिनना स्टार्ट करें तो सी रेड है, येलो है, ऑरेंज है, ब्लू, सी ब्लू बोल सकते हैं, ब्लैक कलर है यहाँ पे। अगर और भी देखें तो यहाँ पे ऑरेंज से थोड़ा ज़्यादा डार्क कलर है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि 5 से 6 कलर का इसमें यूज किया गया है। सो मल्टी कलर ही इज़ यूजिंग इन हीज प्रिंटिंग। और फ्रेंड्स, साथ ही साथ आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप लोग गो थ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब के बाद बेल आइकन को ऑल पे प्रेस करें। जैसे ही बेल आइकन प्रेस करेंगे आपको 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल, पर्सनलाइज्ड एंड नन। तो आपको ऑल पे प्रेस करना है ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलती रहे। जैसे ही आप कर देंगे तो आपको इस तरह की घंटी शो होगी, आपको घंटी, ऐसे घंटी पे क्लिक करना है, राइट। और एक दूसरा चैनल है A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट, इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस पर हम पेपर 1 की तैयारी करवाते हैं। जैसा कि आप लोग देख ही रहे हैं, सिलोलिज्म के बारे में, ICT के बारे में, यहाँ पे स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट के बारे में, एंड साथ ही साथ डोमेन नेम क्या होता है, कम्युनिकेशंस क्या है, ये सबसे वीडियो ऑलरेडी मैं डाल चुकी हूँ। तो जाके अगर आप लोग अभी तक चेकआउट नहीं किए हैं तो जल्दी से चेकआउट करें UGC NTA नेट के पेपर 1 के लिए A to Z फाइन आर्ट विजुअल आर्ट को सब्सक्राइब करें। ओके, सो वी आर मूविंग टू द नेक्स्ट प्रिंट ऑफ कृष्णा रेड्डी, बुल एंड मैन। बुल एंड मैन जो कि 1957 में बनाया गया है, और यह भी
कृष्णा रेड्डी के काम है। जब हम कृष्णा रेड्डी के बारे में आपको पहले ही बता चुके थे कि ये स्कल्पचर्स की भी शिक्षा लिए हैं, किसके साथ, हेनरी मूर के साथ, तो ये उन्हीं के स्कल्पचर हैं, किनके, कृष्णा रेड्डी के, जिसका नाम है द विजन, जो कि 1969 में बनाया गया। हो सकता है कि यूजीसी नेट में इस बार या नेक्स्ट टाइम कभी भी ये क्वेश्चंस कर सकते हो, क्योंकि उनसे हमेशा प्रिंटिंग से ही क्वेश्चंस की जाती है, जैसे कि उन्होंने शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, या फिर उनके इम्पॉर्टेंट काम हैं, या फिर उनका मीडियम क्या है, उनका टेक्निक क्या है, उनका जन्म कहाँ हुआ है, या फिर वो उनको कौन से अवार्ड मिले हैं। बट आपको कन्फ्यूज करने के लिए हो सकता है कि कभी वो स्कल्पचर्स भी दे दें, और ये उनके बहुत इंपॉर्टेंट स्कल्पचर्स हैं द विजन, इसलिए याद रखिएगा। ये है आपका थ्री ग्रेसेस, ये देखिए, आप लोगों ने पाब्लो पिकासो के थ्री ग्रेसेस तो देखे ही होंगे, अब यहाँ पे देखिए थ्री ग्रेसेस कृष्णा रेड्डी के, सी हियर इज द थ्री ग्रेसेस। ओके, नेक्स्ट काम देख लेते हैं, ये देखिए, ये है डेमोन्स्ट्रेशंस, जो कि 1968 में बनाया गया, और ये है अनटाइटल, जो कि 1958 में बनाया गया है। बट वर्लपूल को याद रखिएगा, इसलिए हम वर्लपूल की भी इमेज आप लोग के साथ लाएंगे। देखिए, ये इनकी बहुत ही फेमस पेंटिंग है, जिसका नाम है वर्लपूल। देखिए किस तरह से राउंड राउंड दिखाया गया है। ओके, और वर्लपूल का डिटेल दे दी हूँ, क्योंकि वर्लपूल का हर चीज़ याद रखना है। तो वर्लपूल जो कि कृष्णा रेड्डी के द्वारा बनाया गया है, अमेरिकन आर्टिस्ट रह चुके हैं, क्योंकि उन्होंने बाद में न्यूयॉर्क शिफ्ट कर गए थे। बॉर्न इन इंडिया, डेट बता ही चुकी हूँ, मृत्यु बता चुकी हूँ। इनका डेट जो कि डेथ जो कि है 1930 एज में हुआ था, 1930 की एज के थे तब इनकी मृत्यु हो गई थी। और यहाँ पे देखिए, ये जो वर्लपूल कब बनाया गया है, तो वर्लपूल 1963 में बनाया गया है। ये वर्लपूल का डेट है, कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो वर्लपूल प्रिंट मेकिंग है उसका डेट है 1963 में बनाया गया है। मीडियम क्या है, मिक्स्ड कलर इंटेग्लियो है। प्लेट का डायमेंशन दिया हुआ है, ये सब याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है आपको, बस ये चार चीज़ याद रखना है। टाइटल वर्लपूल, बनाया गया है कृष्णा रेड्डी के द्वारा, डेट क्या है 1963, मीडियम क्या है, तो मिक्स्ड कलर इंटेग्लियो है। ओके, तो आज के लिए इतना ही, आशा करती हूँ कि आप लोग को बहुत ये वीडियो पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई है तो जल्दी से आप लोग गो थ्रू फाइन आर्ट को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस करें, लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही साथ कमेंट्स करें। और बता दी हूँ कि लाइव क्लास कल से 9:30 बजे स्टार्ट रहेगी, रोमन आर्ट को हम कंप्लीट करेंगे। बाय बाय, टेक केयर, सी यू सून, हैव ए नाइस डे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।